बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम व्यूवर्स का स्वागत करते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। यहाँ जो आज का मुकाबला हो रहा है, राइजिंग स्टार मुकाबला हो रहा है, यहाँ संग्रामा के साथ टॉस जीतकर संग्रामा के जो कप्तान हैं उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। यहाँ जो शुरुआत रही टीम की, अब तक अगर देखा जाए 2 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और तौफीक गेंदबाजी कर रहे हैं दूर उस छोर से। तौफीक इस बार शॉर्ट गेंद को खेला बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब 8 हुआ है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर बैटिंग करने का यहां फैसला किया संग्रामा ने। नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट अंडरगाम, जहां आज दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है इस टूर्नामेंट का, बड़ा इवेंट है। कुल मिलाकर 64 टीमों ने इसमें भाग लिया था और फाइनल में पहुंचने वाली जो टीम बनी है कश्मीर हंक्स की टीम, जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल की थी एजाज बरकती की टीम बरकती ब्रदर्स के खिलाफ। तब एक गेंद पर 6 चाहिए थे जीतने के लिए और छक्का लगाकर उस पहले सेमीफाइनल को अपने नाम किया। इस बार गेंद को खेला बॉलर के सर के ऊपर से, पर एक कोशिश की गई थी वहां कैच करने की गेंदबाज के द्वारा, वो कैच नहीं ले सके। जीवन दान के सहारे ही सही, बल्लेबाज अभी भी नाबाद, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। 8 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तौफीक इस ओवर में अगली बार, इस बार ऑप्शन से बाहर कट करना चाहते थे, फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया स्टंप के पीछे। तौफीक की अगली गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल था, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट गेंद के साथ पारी का ये पहला ओवर समाप्त हुआ। 8 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। संग्रामा का मुकाबला हो रहा है आरएस बड़गाम के साथ, राइजिंग स्टार बड़गाम के खिलाफ संग्रामा ने यहां टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, कश्मीर हंक्स नाइट खे ने पहला सेमीफाइनल अपने नाम किया, ये दूसरा सेमीफाइनल है इस प्रतियोगिता का। और दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया यहां संग्रामा के कप्तान ने। नया ओवर शुरू होने को है, आमिर को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। आमिर मल्ला वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। आमिर नए ओवर की पहली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, धकेला ऑन ऑफ साइड में और आदिल बॉर्डर वहां मौजूद, बल्ले के बाहरी भाग से गेंद लगी, उस ओर खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, ठहरा हुआ टीम का स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आमिर दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्रोक तो लेना चाहा, बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, ऑन साइड की ओर चली गई, रन के लिए दौड़ पड़े। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, एक और रन टीम के खाते में इस 1 रन की सहायता से। 9 अब टीम का स्कोर हुआ है। एक छक्का लगा पहले ओवर में, कुल मिलाकर 8 रन आए उस ओवर में, जबकि ये जो ओवर पारी का दूसरा है और इसमें उन्होंने अब तक केवल 1 रन खर्च किया आमिर मल्ला ने। 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। राइजिंग स्टार बड़गाम का मुकाबला हो रहा है संग्रामा के साथ। सिरा लेती हुई गेंद, बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी थी और उस ओर हालांकि शॉट फाइन लेग दायरे के अंदर, खिलाड़ी तैनात थे, उसके लिए कोई अवसर नहीं बना, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ 12 रन, 9 से बढ़कर 13 हुआ टीम का स्कोर। 13 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा सेमीफाइनल है नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट का। मोहम्मद वसीम, मलिक सजाद, शेख आबिद, सईद आमिर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। अच्छा खासा उछाल था इस गेंद में, ऑन साइड में गेंद को धकेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर, उस ओर खिलाड़ी ही पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। एक और रन टीम के खाते में। 1 रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं वहां बल्लेबाज। अब स्ट्राइक लेने की जो तैयारी कर रहे हैं बल्लेबाज, वो सामना करेंगे आमिर का। 6 रन अब तक इस ओवर में आए हैं, 14 टीम का स्कोर। खेलना चाहते थे गुड लेंथ स्पॉट पर, गेंद पटने के बाद बाहर की ओर निकली
और अंपायर का कोई इशारा नहीं बल्लेबाज, हालांकि इशारा कर रहे हैं, कहीं ये वाइड तो नहीं थी पर इतनी दूर तो नहीं थी ये सिस्टम से। और डॉट गेंद के साथ अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज आमिर तैयार हो रहे हैं। आमिर मल्ला वो विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, अंदर गांव क्रिकेट गांव जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। ऐसा मैदान हरा भरा और सरसब्ज मैदान, जो परिस्थितियां हैं कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही हैं, और यहां थोड़ी हल्की बूंदाबांदी तो जरूर हुई शुरू से ही। मशकूर वो गेंदबाजी करने की तैयारी करेंगे। पहला ओवर जो तौफीक ने किया उसमें उन्होंने 8 रन खर्च किए, जबकि अपने पहले ओवर में आमिर ने 6 रन, कुल मिलाकर 2 ओवरों का खेल जो अब तक हुआ है 14 रन आए हैं अब तक टीम के खाते में, 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बरकत अली, माशोक मलिक और मोहम्मद वसीम मैच का आनंद ले रहे हैं। माजिद होरा और मीर आदिल आज के दो ऑफिशियल वादी कश्मीर के जाने पहचाने चेहरे जो अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस बड़े मैच में, दूसरा सेमीफाइनल नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट का। मशकूर एक युवा टैलेंट, सुइब ब्रेव्स के खिलाड़ी थे मागम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में और वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। उन्होंने फ्रेंड्स मोटर्स को हराया था अपने तीसरे मुकाबले में, प्री क्वार्टर में उन्होंने फ्रेंड्स के खिलाफ वो जीत हासिल की थी। धकेला गेंद को ऑफ साइड में, आदिल बॉर्डर मौजूद थे, बड़ी तेजी के साथ रन पूरा किया इस एक रन की सहायता से बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आकिब, जबकि जुबेर अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इरफान लेफ्टी टीम में है या नहीं, हालांकि मैं पता करने की कोशिश तो जरूर करूंगा। इस बार शॉर्ट गेंद को खेला, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं आदिल बॉर्डर, क्या वो कैच कर पाएंगे या नहीं, कोई गलती नहीं आदिल बॉर्डर के द्वारा और पहला झटका लगा यहां संग्रामा को। क्रीज छोड़कर बल्लेबाज वापस जा रहे हैं इशफाक अहमद शेख, जबकि बट यूनुस मीर रवीज भी मैच का आनंद ले रहे हैं। माजिद होरा और मीर आदिल आज के दो ऑफिशियल। अंपायरिंग की जब भी आप बात करोगे तो एक जो फिरिस्त वादी कश्मीर में हमेशा चर्चा में रहता है उस फिरिस्त में शुमार होता है मीर आदिल और माजिद होरा का। माजिद होरा जो ऑफिशियल अंपायर हैं नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट के, मीर आदिल के साथ वो अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस मुकाबले में। मशकूर ने पहली सफलता हासिल की, जबकि मोहम्मद इमरान भी मैच का आनंद ले रहे हैं। मोहम्मद इमरान बने हुए हैं जहूर के साथ, तजमुल इस्लाम, मुश्ताक अहमद, आमिर खान, क्योंकि मोहम्मद इमरान भी बने हुए हैं और उसके साथ साथ जहांगीर वानी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आदिल बॉर्डर बिल्कुल वो टीम लाइनअप में हैं, आदिल बॉर्डर, मीर टेंट हाउस और आदिल दीना कश्मीर नाइट्स के जो प्रमुख हथियार हैं वो टीम लाइनअप में हैं। फील्ड कर रहे हैं थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे, हालांकि डीप स्क्वायर लेग पे वो फील्ड कर रहे हैं आदिल दीना, उस ओर जा रहे हैं फील्ड करने के लिए। मशकूर गेंदबाजी करने की तैयारी में, एजाज हैदर, मीर रमीज और शाहिद शबीर। बूंदाबांदी तो हुई थी जब पहला ओवर हुआ था इस पारी का, तब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ऐसे में अंपायर ने मुनासिब समझा कि खेल को जारी रखा जाए और अब वो बूंदाबांदी जो रुक गई है अब इस पारी का। कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर है और मशकूर अपना पहला ओवर कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, गुड लंग स्पॉट पर गेंद को धकेला ऑफ साइड में और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मुंतजर बूम बूम वो टीम लाइनअप में है। मशकूर गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज सामने जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज तीसरे नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मशकूर इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ, इस बार ऑन ड्राइव के अंदाज में खेला गया, स्ट्रोक गेंद मिड ऑन की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में एक रन का इजाफा। इस एक रन की सहायता से 16 हुआ टीम का स्कोर 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। जहांगीर वानी, तजमुल इस्लाम भी मैच का आनंद ले रहे हैं, ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हमारे साथ एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पापोर, फैशन फीस्टा, नेसर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, अब्दुल वाहिब, मोहम्मद आमिर भी
मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, जबकि तजमुल इस्लाम अब्दुलवाब, तजमुल इस्लाम रियाज मीर, एम डियाज, इरफान अली मैच का आनंद ले रहे हैं। और जो लाइनअप है इस टीम की आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। मशकूर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक लिया था और फॉलो थ्रू में एक शानदार कैच लिया मशकूर ने। आसान नहीं रहता है, गोली के रफ्तार से गेंद जा रही थी और क्या संतुलन बनाए रखा। शानदार कैच के साथ ये पारी समाप्त हुई। शॉर्ट सिटे बल्लेबाज की 11 नंबर की जर्सी पहनकर वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। हालांकि जो उन्होंने कोशिश की थी सीधे बल्ले से स्ट्रोक लिया था, ताकत खूब लगाई पर गेंद कुछ देर तक हवा में रही। और ऐसे कैच आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेंगे लोकल क्रिकेट की अगर मैं जिक्र करूं, पर ये जो कैच लिया मशकूर ने लाजवाब था, बेहतरीन था, तारीफ के काबिल। ये दूसरा झटका लगा संग्रामा को और टीम का स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मशकूर अपना पहला ओवर जो उन्होंने किया, अपना पहला ओवर समाप्त हुआ और कुल मिलाकर देखा जाए ये इस पारी का 3रा ओवर था। आदिल दीना शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे फील्ड कर रहे हैं, आमिर मल्ला नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट ACG ग्राउंड अंडरग्राम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। दिलजान मंजूर, तजमुल इस्लाम, मुदस्सिर बट, जबकि मुदस्सिर अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इनायत हुसैन के साथ ये जो कैच लिया मशकूर ने लाजवाब था, तारीफ के काबिल। और मैं तो हमेशा यही कहूंगा ऐसे कैच आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ लोकल क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ। आमिर मल्ला इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, मिडिल स्टंप की ओर आई और मिडिल स्टंप के साथ जाके टकराई। इस तरह से ये तीसरा झटका लगा टीम संग्रामा को और टीम का जो स्कोर है 18 हो गया है। 3.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है और कौन कौन से बल्लेबाज आउट हुए हैं आप तक ये सूचना तो जरूर पहुंचाऊंगा। मुंतजिर का अभी आना बाकी है, जो टीम लाइनअप में है मुंतजिर बुम बुम ब्रेडमैन के खिलाड़ी हैं शाकिर राशिद और वसीम, ये तीन आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो नए बल्लेबाज हैं 25 नंबर की जर्सी पहनकर, वहां आदिल नाबाद बल्लेबाज और नए आए जो बल्लेबाज हैं 14 नंबर की जर्सी पहन के नए आए बल्लेबाज आतिफ वो स्ट्राइक पे रहेंगे, आदिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 18 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। राइजिंग स्टार बड़गाम के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया यहां संग्रामा ने। आदिल दीना टीम लाइनअप में है जबकि उसके साथ साथ आदिल बॉलर भी इस लाइनअप में है। अगर मैं राइजिंग स्टार आरत की बात करूं, एक से बात करें मशकूर इस टीम लाइनअप में है। आमिर मल्ला ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, तजमुल इस्लाम तापर से, मुदस्सिर बट, जबकि आशिक और बटशानू भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कट करना चाहते थे बल्ले के, इंद्रोनी सिरे से गेंद लगी और ऑफ स्टंप के काफी करीब से विकेट कीपर की ओर चली गई। तौफीक मल्ला राइजिंग स्टार बड़गाम के कप्तान, मीर एजाज, आमिर मल्ला, आदिल बॉर्डर, जहांगीर नजीर, मशकूर तारिक, शहबाज पॉल, जबकि आदिल दीना, वारिस, यावर कुछे और जावेद, ये लाइनअप है। और शाहबाज पॉल शायद वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी सोइब ब्रेव्स की तरफ से, वहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के खिलाफ मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट मैच के उस मुकाबले में। मोहसिन मंजूर, अहमद शहजाद, तजमुल इस्लाम, डार तंजील और आशिक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। खालिद रथर, डीएक समी, रथर जहूर, मीर जुनेद मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर की गेंद ऑप्शन से बाहर, स्विंग होती हुई गेंद, वो लेटरल स्विंग मोमेंट देखने को मिला और अंपायर आदिल मीर ने खूबसूरत बाजू हवा में लहराए, इशारा किया वाइड का। अत्र के खाते में 1 रन,
टीम का स्कोर इस एक रन की सहायता से अब 19 हो गया है, 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आमिर मल्ला इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप से काफी दूर थी गेंद, फिर से वाइड का इशारा आ रहा है, लगातार दिशा से भटक रहे हैं। ये दूसरा मौका ऐसा मिला कि गेंद ऑफ स्टंप से उन्होंने बाहर की। मलिक जेडी, मुश्ताक झंडा वो मैच का आनंद ले रहे हैं कश्मीर नाइट्स के खिलाड़ी। समीर आशिक, नासिर मल्ला, मुदस्सिर बट भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, जबकि डीएक्स अमी वो मैच का आनंद ले रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट का, बल्लेबाज स्ट्राइक पे हैं आतिफ, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं आदिल। आदिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और आतिफ स्ट्राइक पे, ऑफ स्टंप से काफी दूर थी गेंद और विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। आतिफ स्ट्राइक पे, आदिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। मिड ऑफ एक खिलाड़ी हैं, कवर लगाया गया है बैकवर्ड पॉइंट जहां पे टीम के कप्तान फील्ड कर रहे हैं, और थर्ड मैन का जो इलाका है वहां एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी है। जबकि देखा जाए आदिल बॉर्डर गली क्षेत्र के आसपास खड़े हुए हैं और वहां टीम के कप्तान तैनात हैं, उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं कवर में जो खिलाड़ी हैं। उन्होंने गेंद को साफ करके मिड ऑफ के खिलाड़ी के जरिए वापस पहुंचाया गेंद को गेंदबाज आमिर मल्ला की ओर। आमिर मल्ला जो गेंदबाजी कर रहे हैं दूर उस छोर से, आउट होने वाले तीन खिलाड़ी जो अब तक आउट जो तीन खिलाड़ी हुए हैं शाकिर, राशिद और वसीम अकरम, बिल्कुल आउट होने वाले खिलाड़ियों में एक बड़ा नाम था पर ज्यादा कुछ नहीं कर सके, एक बेहतरीन कैच लिया मशकूर ने। इस तरह से ये पारी का कुल मिलाकर चौथा ओवर समाप्त हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा टॉस जीता था यहां टीम के कप्तान ने, रॉयल स्ट्राइकर्स संग्रामा का मुकाबला हो रहा है राइजिंग स्टार बड़गाम के साथ। रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर जो फैसला किया बैटिंग करने का वो फैसला सही साबित नहीं हुआ। शुरू से लेकर अब तक झटके लगातार उन्हें लगते रहे और स्थिति ये है 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नयोर की पहली गेंद इस बार शॉट ऑन साइड में लिया गया, स्ट्रोक खिलाड़ी से दूर, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी और पलट कर उस दिशा में स्ट्रोक लिया गया सुकर लेग और मिड विकेट के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्टाइलिश डार मोहसिन मंजूर मैच का आनंद ले रहे हैं, ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पापुर, आर्को फेनेस्ट्रेशन, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, जो थोड़ी बारिश हुई थी वो बूंदाबांदी मैच के पहले ओवर में, थोड़ा आउटफील्ड कुछ हद तक गीला जरूर था। अब जब भी गेंद आउटफील्ड में चली जाती है टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है गेंद को सूखा रखने के लिए, ताकि ग्रिप बनाने में गेंद पर आसानी हो यहाँ गेंदबाज को, और मशकूर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मशकूर इस ओवर में अगली बार स्टाइलिश डार, 19 पॉल, जबकि आदि आदिल भी मैच का आनंद ले रहे हैं। 24 रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। मशकूर इस ओवर में अगली बार लेग स्टंप से बाहर थी गेंद और गिरने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली और वाइड का इशारा आ रहा है अत्रिक के खाते में, एक रन 25 हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। मिडॉन जहां एक खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, ये हैं ऑन साइड के तीन खिलाड़ी, ऑफ साइड में 6, ऑन साइड में 3, 6-3 की फील्ड के साथ फिर से गेंद को ड्राइव किया कवर के ऊपर से खेला गया ये लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। फ्रंट फुट पर आए आदिल ड्राइव करने के लिए गए, हालांकि ठीक तरह से वो स्ट्रोक को टाइम नहीं कर सके, फिर भी इतनी ताकत तो जरूर लगाई कि गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। देखते हुए कवर बाउंड्री लाइन पे कोई खिलाड़ी तो था ही नहीं दायरे से बाहर, और दायरे के अंदर जो तैनात खिलाड़ी थे उसके लिए कोई मौका नहीं बना। इस ओवर की अगली गेंद पैर लाइन पे निरोल से ऊपर जाके गेंद लगी, थाई के साथ रिकोशेट हुई, ऑन साइड में चली गई, एक रन मिलेगा इस एक रन की सहायता से। 30 रन हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आदिल, आतिफ स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। बुरहान अमीन मैच का आनंद ले रहे हैं,
मराजीगुंड रफियाबाद सोपुर से, जबकि स्टाइलिश डार भी मैच का आनंद ले रहे। शैलेंद्र हुई गेंद, एक बेहतरीन कैच स्लिप कॉर्नर में तैनात खिलाड़ी के द्वारा। ऑफ स्टंप से ज्यादा दूर तो नहीं थी शरीर से, कट करने के लिए गए, बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद लगी, गोली की रफ्तार से जा रही थी विकेट कीपर और स्लिप कॉर्नर के दरमियान से, पर वहां स्लिप कॉर्नर में तैनात खिलाड़ी ने एक शानदार कैच लिया। वारिस वहां तैनात थे, एक बेहतरीन कैच के साथ पारी समाप्त हुई यहां आतिफ की। आतिफ के रूप में ये चौथा झटका लगा रॉयल स्ट्राइकर्स संग्रामा को। टीम का स्कोर देखा जाए 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तकबीर अल्लाहु अकबर, ये नारा हवा में बुलंद हुआ। एक दायरा जो बनाया था राइजिंग स्टार बारामूला के बड़गाम के खिलाड़ियों ने, और उनकी कोशिश रहेगी कि एक और झटका दिया जाए। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं। डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज, हालांकि अभी मुंतजर का आना बाकी है, क्या वो टीम लाइनअप में है या नहीं। मुंतजर बुम बुम, क्या वो टीम लाइनअप में है या नहीं। हालांकि जुबेर नज़ीर, उनका आना बाकी है। मुंतजर टीम लाइनअप में नहीं है, जुबेर नज़ीर टीम लाइनअप में है और अभी उनका आना बाकी है। अरमान मल्ला, स्टाइलिश डार जावेद शक्साज, सोप्र कुट और उसके साथ साथ स्टाइलिश डार भी मैच का आनंद ले रहे हैं। नए आए बल्लेबाज जहूर वो स्ट्राइक पे रहेंगे, दाया हाथ के बल्लेबाज हैं, वो सामना करने की तैयारी में। और ऐसा कहना तो ठीक नहीं रहेगा कि यहाँ जो स्थिति बिगड़ी हुई नज़र आ रही है, पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है रंग बदलने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, T20 क्रिकेट है। मशकूर की अगली गेंद, स्टंप्स की लाइन में कुछ बेहतर लाइन थी और गेंद की लाइन के पीछे आए दकेला, विश्वास के साथ खेला गया ये स्ट्रोक, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मशकूर ने अब तक 3 सफलताएं अर्जित की, जबकि आमिर मल्ला को एक सफलता यहां हासिल हुई। और मशकूर ने शानदार गेंदबाजी की, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी। यहां जो बल्लेबाज तैयार थे वो स्टंप से दूर हटे थे। अब अंपायर ने इशारा किया कि ये गेंद तो काउंट नहीं होगी, और ऐसे में नए सिरे से ये गेंद करने के लिए मशकूर जा रहे हैं अपने बॉलिंग मोर्चे की ओर। पहला सेमीफाइनल कश्मीर हंक्स ने अपने नाम किया इस टूर्नामेंट का, ये दूसरा सेमीफाइनल है। फिर से स्टंप्स की लाइन में, गेंद की लाइन के पीछे आए दकेला, डॉट गेंद के साथ पारी का ये कुल मिलाकर 5वां ओवर समाप्त हुआ है और 30 रन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। मशकूर ने 3 सफलताएं अर्जित की, जबकि आमिर मल्ला को एक सफलता यहां नसीब हुई। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे नए आए बल्लेबाज जहूर, जबकि आदिल वो स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। साहिल यासीन, आदि आदिल, मोहम्मद नवाज भी मैच का आनंद ले रहे हैं, मागाम से बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। राइजिंग स्टार बड़गाम दो दो हाथ कर रही है यहाँ इस बड़े मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स संग्रामा के साथ। आमिर मल्ला की गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं मशकूर, क्या वो गेंद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। गेंद को अंदर धकेला और उन्हें इस बात का इलम था कि कैच लेना तो मुश्किल है, फिर उन्होंने फैसला किया गेंद को अंदर धकेलने का, ताकि गेंद बाउंड्री पार ना चली जाए 1 रन खाते में। और स्कोर टीम का अब जा पहुंचा 32 रन टीम का स्कोर। आदिल अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे आमिर मल्ला का। आमिर मल्ला की गेंद, आदिल को ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, बल्ला चलाया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से थोड़ी दूर थी गेंद और दूर से ही बल्ला चलाया यहां बल्लेबाज ने, गेंद की पिच तक पहुंचे बिना और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 36 हुआ टीम का स्कोर। आमिर मल्ला स्कोर में अगली बार लेग स्टंप की सीध में गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया, ऑफ साइड में धकेला, स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए 1 रन खाते में। मेहरान सजाद, महजूर अजीज भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, जबकि खान जहांगीर भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। मीर आदिल और माजिद हुरा आज के दो ऑफिशियल। आमिर मल्ला
मिसोर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, क्या बेहतरीन गेंद थी, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिपा खाया, लगभग ग्लव्स को छूती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो सफ़र है रवा दवा है, ये कारवां और दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है इस टूर्नामेंट का। पहले सेमीफाइनल में कश्मीर हंक्स ने एक बड़ी जीत हासिल की, उस टीम में आकिब मीर, जहांगीर लोन और इश्तियाक नाग जैसे खिलाड़ी थे। इस बार ग्लव्स के साथ गेंद जाके टकराई, काफ़ी देर तक हवा में रही और परेशान नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, उन्हें वापस जाना होगा। ये पांचवा झटका लगा रॉयल स्ट्राइकर संग्रामा को, जहूर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं आमिर मल्ला। उन्होंने ये दूसरी सफलता हासिल की, जबकि तीन सफलताएं अब तक अर्जित की वहां गेंदबाज मशकूर ने। क्या शुरुआत मिली राइजिंग स्टार बड़गाम को, और यहां बूंदाबांदी तो हो रही है और उतनी ज्यादा भी नहीं है कि खेल को रोका जाए। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए, जून का नजर आ रही है, इसको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज आदिल। नए आए बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, जाहिद मीर, महजूर अजीज, जबकि रफी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। रफी मीर वो मैच का आनंद ले रहे हैं जाहिद मीर के साथ। रफी मीर ने याद ताज़ा की रफ़ी मैडी की, जिन्होंने वो छक्का जड़ा था आखिरी गेंद पर जब छः चाहिए थे पहले सेमीफाइनल में कश्मीर हंक्स को जीत हासिल करने के लिए। आमिर मल्ला वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, आबिद पीर वो स्ट्राइक पे रहेंगे। आबिद पीर ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की, देखना है वो क्या कर पाएंगे। बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को, वाइडिश मिड ऑफ की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक और ओवर समाप्त। 5 विकेटों के नुकसान पर 37 रन टीम का स्कोर। जहांगीर विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं राइजिंग स्टार बड़गाम के लिए। आबिद पीर और आदिल दो बल्लेबाज, पीर नॉन स्ट्राइकिंग है पे 6 ओवर 37 पांच विकेटों के नुकसान पर, जबकि कुल मिलाकर 6 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। मशकूर अपना तीसरा ओवर करने के लिए तैयार। पांच झटके लगे, 6 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। जो अनिवार्य पावर प्ले रहता है T20 क्रिकेट में, वो पावर प्ले समाप्त हुआ, ऐसे में फील्ड फैलाने की आजादी है कप्तान के पास। आदिल बॉर्डर, उन्हें तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए आदिल बॉर्डर को। आदिल बॉर्डर अपना पहला ओवर, पारी का ये 7वां ओवर होगा, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। विकेट कीपर स्टंप के काफी करीब नजर आ रहे हैं जहांगीर, स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी हैं, जबकि तौफीक जो फील्ड कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे हैं खिलाड़ी, कवर और लॉन्ग ऑफ लगाया गया है। आदिल बॉर्डर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार, सामने हैं आदिल। आदिल सामना करेंगे आदिल बॉर्डर का। आदिल बॉर्डर नए ओवर की पहली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर जहांगीर जो स्टंप के पीछे खड़े हुए हैं और विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं मीर एजाज, स्लिप कॉर्डन में एक बेहतरीन कैच उन्होंने लिया उस क्षेत्र में, जबकि टीम के कप्तान तौफीक जो शॉर्ट थर्ड में दायरे के अंदर वहां फील्ड वो कर रहे हैं, बैक फुट पर सरकते हुए चले गए, गेंद दूर उस ओर गई जहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, इत्मीनान के साथ 1 रन मिला। 38 हुआ टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। पंडित मुजफ्फर, सलमान फयाज, आदि आदिल, सफीना और उमर नज़ीर मैच का आनंद ले रहे हैं। यासिर हमीद के साथ उमर नज़ीर भी बने हुए हैं, जबकि फाजिल रहमान भी मैच का आनंद ले रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। बॉम्बे कलेक्शन, यासिर मूसा, सईद सुल्तान, जबकि सईद सुल्तान भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में, वो रन के लिए दौड़ पड़े, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के बारे में सोचा तो पूरा किया,
दो रन खाते में, टीम के खाते में ये दो रन, इन दो रनों की सहायता से अब जाके 40 हुआ टीम का स्कोर। 3 रन अब तक इस ओवर में आदिल बॉर्डर अपना पहला ओवर कर रहे हैं, अब तक 3 रन आए इस ओवर में। ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार आबिद पीर और आदिल, उन पे दायित्व है, उन पे जिम्मेदारी है इस डूबती नैया को पार लगाने की। देखना है वो क्या कर पाएंगे। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, स्लॉग स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। गरज और बिजली के साथ यहाँ कुछ समय तक बारिश भी हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी, और तब जब पहला ओवर समाप्त हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां हैं कुछ बेहतर नजर आ रही हैं क्रिकेट खेलने के लिए। राइजिंग स्टार बड़गाम के खिलाफ टॉस जीतकर रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। तौफीक एक ओवर की उन्होंने अब तक गेंदबाजी की, टीम के कप्तान हैं, और उस एक ओवर में उन्होंने 8 रन खर्च किए, वो पारी का पहला ओवर था। अब 7 ओवर 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये है स्कोर कार्ड रॉयल स्ट्राइकर्स संग्रामा का। अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामने हैं आदिल, तौफीक गेंदबाजी करेंगे, और मशकूर ने 3 सफलताएं अर्जित की, और अब तक देखा जाए मशकूर ने कितनी ओवर की गेंदबाजी की, केवल 2 ओवर की गेंदबाजी की, और मुझे लगता है वो सही फैसला नहीं था कप्तान का मशकूर को गेंदबाजी से हटाना, क्योंकि लय में थे, एक और विकेट निकाल सकते थे तो टीम बैकफुट पर होती यहां संग्रामा की। और ऑफस्टम्प से बाहर जाती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। तौफीक की अगली गेंद पंजों पर उछलते हुए गेंद को धकेला, आदिल बॉर्डर की ओर रन के लिए दौड़ पड़े, बॉर्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, 1 रन खाते में। 41.5 झटके लगे अब तक रॉयल स्ट्राइकर संग्रामा को। दूसरा सेमीफाइनल है नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट का, ऐसा लग रहा था एक बड़ा मुकाबला होगा, रन फेस्ट होगा दोनों टीमों के लिए, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं कर पाएगी टीम संग्रामा की। रॉयल स्ट्राइकर संग्रामा बैटिंग करते हुए 5 झटके लगे, क्रिकेट अनिश्चितताओं की खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, और करवट बदलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है यहाँ क्रिकेट को, क्रिकेट की तरह रंग बदलना, और ऐसे में ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे बल्लेबाज भी यहाँ गियर चेंज करने में। आबिद पीर बड़े स्ट्रोक की फिराक में नजर आ रहे हैं, क्या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या नहीं। तौफीक दाएं हाथ के गेंदबाज, कोई बड़ा रनअप नहीं है, मुश्किलन 4-5 कदमों का रनअप, सामने हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज आबिद पीर। आबिद पीर वो सामना करेंगे तौफीक का, इस बार बढ़िया गेंद खेलना चाहते थे, फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। तौफीक फिर से ऑफ स्टंप से दूर थी गेंद, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक और ओवर समाप्त हुआ, 8 ओवरों का खेल समाप्त, 41 रन टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर, 41 हुआ टीम का स्कोर, 5 झटके लगे। आशिकदार मैच का आनंद ले रहे हैं, इसाकदार बने हुए हैं, बिलाल भट्ट मैच का आनंद ले रहे हैं, न्यू दिल्ली से जो बने हुए हैं उसके साथ साथ इम्तियाज नाइक को भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आदिल बॉर्डर कुल मिलाकर इस पारी का ये 9वां ओवर होगा, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, कदमों का इस्तेमाल, बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। उस दिशा से गेंद को वापस लाने में समय तो जरूर जाएगा, और ऐसे में गेंद बदलने का इशारा किया अंपायर ने उस ओर, क्योंकि गेंद जिस दिशा में गई और वहां से गेंद को वापस लेके आना काफी मुश्किल है, समय तो काफी जाएगा। माजिद होरा और मीर आदिल आज के दो ऑफिशियल, उस दिशा में ये स्ट्रोक लिया बल्लेबाज ने, वहां से गेंद को वापस लाने में कुछ समय तो जरूर जाएगा। अब गेंद को बदला गया है, आदिल बॉर्डर निश्चित ही वो दबाव में होंगे और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ बैटिंग कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज आदिल, दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल सामना करेंगे गेंदबाज आदिल बॉर्डर का। आदिल बॉर्डर की गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद अंदर की ओर आई, ग्लव्स के साथ जाके टकराई, निगाहें बनाए रखी, अंत तक धकेलना चाहते थे ऑन साइड में,
गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद फील्ड हुई, आदिल बॉलर अब जाके जो स्लिप कॉर्नर में तैनात खिलाड़ी थे उन्हें शॉर्ट फाइनल क्षेत्र पे तैनात किया गया। क्या उस दिशा में अब गेंद जाएगी कि नहीं, इस बार पैड पर लगी जबरदस्त अपील और वहां मजद हो रहा, उन्होंने साफ नकारा इस अपील को और आदिल बॉलर वो अगली गेंद करने के लिए वापस जा रहे हैं बॉलिंग मोर्चे की ओर। आदिल बॉलर दाएं हाथ के गेंदबाज सामने हैं, बल्लेबाज आदिल दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे आदिल बॉलर का। इस बार बैक फुट पर गए, गेंद को निकाला कवर के दरमियान से, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे वाइडिश लॉन्ग ऑफ से फील्ड करने के लिए, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए एक रन खाते में। मोहम्मद रफीक खान आसिफ कौसर ले रहा था, उसके साथ साथ साकिब मजीद भी बने हुए हैं। कौसर भाई इस प्यार के लिए शुक्रिया। जेके स्पोर्ट्स रंग के मंच पर मतीपुरा प्रेसिडेंट क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी हैं। ऑन साइड में गेंद को धकेला, एक रन तो मिलेगा इत्मीनान के साथ आबिद पीर को। आबिद पीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस एक रन की मदद से अब आदिल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल का जो निजी स्कोर है अब तक देखा जाए 24 रन ऑन होने बनाए हैं, 3 चौके जड़े एक छक्का जड़ा और बड़े स्ट्रोक की फिराक में नजर आ रहे हैं आदिल। सामना करेंगे आदिल बॉलर का, इस बार उछाल था इस गेंद में, काफी फ्लाइट दी इस गेंद को और बैक फुट पर जाकर स्ट्रोक लेना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। इस तरह से 9वां ओवर पारी का समाप्त हुआ, एजाज को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आदिल बॉलर जो अब जा रहे हैं स्लिप कॉर्नर की ओर फील्ड करने के लिए। तौफीक ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, मशकूर ने केवल 2 ओवर की, जबकि आमिर मल्ला की अगर बात करें उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की। अब तक जो 5 झटके लगे रॉयल स्ट्राइकर्स संग्रामा को, नए आए बल्लेबाज वारिस जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया था स्लिप कॉर्नर में और बाएं जानिब डाइव लगाकर वो शानदार कैच, दाएं हाथ के गेंदबाज कोई बड़ा रन अप नहीं है, छोटे रन अप के साथ वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं और सामने हैं आबिद पीर। वारिस की गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्टंप्स की लाइन में खूब ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे और उस दिशा में ये स्ट्रोक लिया जहां कोई खिलाड़ी तो तैनात था ही नहीं, लॉन्ग ऑफ था, लॉन्ग ऑन था और 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। आबिद जबकि महराजदार मीर इमरान, फयाज, एआर रहमान बट एजाज ये लोग बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। बनारस दुपट्टा हाउस, बिलाल अहमद और राहत कंस्ट्रक्शंस मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। वारिस वो गेंदबाजी कर रहे हैं, एक रन मिला यहां आबिद पीर को, आबिद पीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल सामना करने के लिए तैयार हो। जुबेर भट्ट जबकि अबू हुरेरा और उसके साथ मुसेब आजान, बिलाल अहमद बनारस दुपट्टा हाउस मागम और महराज डार भी मैच का आनंद ले रहे हैं। भट्ट एजाज और फयाज के साथ मीर इमरान और उसके साथ ए आर रहमान भी मैच का आनंद ले रहे हैं। धकेला लॉन्ग ऑफ की ओर, उस दिशा में खिलाड़ी तैनात, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए एक रन खाते में। आदिल को ये एक रन मिला, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। अमजद अली, जाकिर हुसैन, मीर फयाज भी मैच का आनंद दे रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज हैं वारिस, वारिस की अगली गेंद फिर से लॉफ्टेड स्ट्रोक ऑन साइड में और ताकत तो खूब, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। केवल गेंद पर यह टाइमिंग जो थी वो लाजवाब थी, उस दिशा में खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे, खिलाड़ी तैनात थे, मशकूर वो बस देखते रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस ओवर में अगली बार, इस बार कुछ बेहतर लाइन, मिडिल स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। इस तरह से पारी का ये एक और ओवर समाप्त हुआ, 61 रन टीम का स्कोर, 12 रन आए इस ओवर में। ये पहला ओवर खर्चीला रहा वारिस का, पारी का ये 10वां ओवर समाप्त 61, 5 विकेटों के नुकसान पर 6 की औसत से लगभग रन बना रहे हैं। जो शुरुआती झटके लगे थे उसे उबरने की कोशिश हो रही है, टीम संकट में नजर आ रही थी और उस संकट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं 2 बल्लेबाज आबिद पीर और आदिल। आदिल सामना करेंगे तौफीक का, तौफीक
नेयोर की पहली गेंद ऑन साइड में, ये स्ट्रोक लेना चाहते थे, थाई के साथ रिकोशेट हुई गेंद ऑन साइड में चली गई। पहला रन तो पूरा किया गया, दूसरा रन तो लेना चाहते थे आदिल, साफ नकारा वहां आबिद पीर ने, केवल एक रन खाते में। मुश्ताक अली, परवेज तांत्रे, डार एसबीबी मैच का आनंद ले रहे हैं, जबकि अबरार पीर बने हुए हैं, डार रमीज वर्ल्ड सपोर्ट्स के ओनर बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। अबरार पीर भी मैच का आनंद ले रहे हैं सज्जाद भट्ट के साथ, जुबेर अहमद भट्ट और एगोस्टिक नडो। स्क्वायर लेग पे मिस फील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए। अबरार पीर भी मैच का आनंद ले रहे हैं एगोस्टिक नडो के साथ, जबकि सज्जाद भट्ट भी बने हुए हैं, आशु अशरफ जो मैनेजर हैं शाइनिंग स्टार पापोर के वो बने हुए हैं, बिलाल फारूक अहमद, जाहिद इब्ने अली और आमिर मुश्ताक तांत्रे भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार गेंद को खेला, गेंद पॉइंट की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, एक रन खाते में। मलिक अशु मैच का आनंद ले रहे हैं जो मैनेजर हैं शाइनिंग स्टार पापोर क्रिकेट क्लब के, इम्तियाज रसूल, मलिक अक्की, जबकि जाहिद इब्ने अली और सैम इश्तियाक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट है और उसमें कुछ एंट्रीज हैं, आप चाहोगे उसमें भाग लेना। बाली हरन सिंहपुर, जहां वीन्यू उसका तय किया गया है, और बाकी मालूम के लिए वहां की जो मैनेजमेंट है उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आप तक पहुंचाने की कोशिश तो ज़रूर करूंगा। यहां विकेट कीपर के साथ साथ स्लिप कॉर्नर में तैनात खिलाड़ी से भी फंबल हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, चार रनों के लिए। 22 के रूप में ये चार रन आएंगे, इन चार रनों की मदद से टीम का स्कोर अब 72 हो गया है 5 विकेटों के नुकसान पर, जो कॉन्टैक्ट है यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, 8491928046, आप उनके साथ रابطہ कायम कर सकते हो। विलेज लेवल है और दो आउटसाइडर्स वहां अलॉ किए गए हैं। थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए। लगातार रन आ रहे हैं और इस चौके के साथ 76 रन, टीम का स्कोर 76 और इस ओवर में कुल मिलाकर 15 रन आए हैं। 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 76 टीम का स्कोर, अब कुछ हद तक दबाव में नजर आ रही है राइजिंग स्टार बड़गाम की टीम। सुमीन, जबकि अंडे और आदिल, अयान रथर, फयाज मजीद मैच का आनंद ले रहे हैं नदीम अहमद के साथ, सुमीन महराज, अहमद वसीम, नौकर हुसैन का और उसके साथ साथ साहिल यासीन भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। आदिल सईद और आशिक डार भी मैच का आनंद ले रहे हैं, साहिल यासीन भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। एक खूबसूरत मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है दोनों टीमें जो आमने सामने हो रही हैं। यहां रॉयल स्ट्राइकर संग्रामा, उनका मुकाबला हो रहा है इस बड़े मुकाबले में राइजिंग स्टार बड़गाम के साथ। राइजिंग स्टार बड़गाम टॉस जीतकर यहां रॉयल स्ट्राइकर संग्रामा ने उनके खिलाफ जो फैसला किया बैटिंग करने का, लगातार एक के बाद एक झटका लगा और 37 के स्कोर पे 5 झटके लगे थे, तब से अब तक लगातार ये कोशिश हो रही है पारी को संभाला जाए और उस कोशिश में 76 अब तक बनाए। 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। आदिल बॉलर वो सामना करने की तैयारी में है, आदिल सामना करेंगे आदिल बॉर्डर का, दाएं हाथ के बल्लेबाज 25 नंबर की जर्सी पहन के सामना करेंगे आदिल बॉर्डर का। लॉन्ग ऑन पे जो खिलाड़ी काफ़ी वाइडिश थे उन्हें थोड़ा फाइन कर दिया गया क्योंकि मिड विकेट क्षेत्र पे अब खिलाड़ी को तैनात किया गया आमिर मल्ला के रूप में। आदिल के गेंद लेग स्टंप से बाहर, खेलना चाहते थे पूरी तरह से चूके, वाइड का इशारा तो अब आ रहा है पर स्टंप आउट करने का एक जो अवसर बना जहांगीर के लिए वो मौका उन्होंने हाथ से जाने दिया। स्कोर ठहरा हुआ 76 से बढ़कर अब 77 हुआ है, 77 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दाया के बल्लेबाज आदिल सामना करेंगे आदिल बॉर्डर का। आदिल बॉर्डर की गेंद ऑप्शन से बाहर, बैकफुट पर गए, बैकफुट पॉइंट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और बैकफुट पर जाकर ये स्ट्रोक लिया गया, बैकफुट पॉइंट पे तैनात जो खिलाड़ी थे उनके दाएं जानिब से उसके लिए कोई मौका नहीं बना, गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। 81 टीम का स्कोर, बढ़िया गेंद मिडिल स्टंप की सीध में धकेला, स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े, रन तो मिलेगा एक, छोड़ बदला यहां दोनों बल्लेबाजों ने। अब नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे हैं आदिल इस ओवर में, अब तक उन्होंने 5 रन अर्जित किए अपनी टीम के लिए, 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की।
हालांकि दो गेंदें हुई हैं इस ओवर की तीसरी गेंद बल्ले के टो एंड से गेंद की स्लिप कॉलन की तरफ चली गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात है। फिर से एक और रन मिलेगा, जुबैर नज़ीर का अभी आना बाकी है। वो एक ऐसा नाम जिसके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की, वो बड़े स्ट्रोक के लिए तो ज़रूर जाएंगे क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज है जिसे आप ज़्यादा देर तक खामोश तो नहीं रख सकते हो। शबीर अहमद लून एगोस्टिक नडोबी मैच का आनंद ले रहे हैं, कुपवाड़ा से बने हुए हैं एगोस्टिक। लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिपा खाया, मिडल स्टंप की ओर आ रही थी, अच्छा खासा उछाल था, ग्लव्स के साथ जाके टकराई विकेट कीपर के हाथों, फील्ड हुई कवर के दौरा। खिलाड़ी जो कवर में तैनात थे उन्होंने गेंद को वापस किया गेंदबाज आदिल बॉलर को, आदिल बॉलर ने राउंड द स्टंप्स गेंद की, यहां मोर्चा संभाला बल्लेबाज आदिल ने, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, गेंद की पिच तक पहुंचे और इस अंदाज से गेंद को मारा जो ही गेंद बल्ले से लेगी गेंद बाउंड्री पार चली गई 6 रनों के लिए। साहब खान मुसेब आजान जबकि उसके साथ साथ एमू राइडर शेख जिया भी मैच का आनंद ले रहे, यूनुस मामा जो ओनर हैं और स्पॉन्सर हैं राइजिंग स्टार बड़गाम टीम के, वो मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। आदिल बॉर्डर राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज अंदर की ओर आती हुई गेंद को निकाला, फाइन लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, खर्चीला ओवर समाप्त हुआ आदिल बॉर्डर का, टीम बैकफुट पर नजर आ रही है और इस चौके के साथ टीम का जो स्कोर है 93 रन और कुल मिलाकर 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। मशकूर उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, तब उन्हें हटाया गया था जब वो लय में नजर आ रहे थे और उनका इस्तेमाल करते हो सकता था वो एक और विकेट निकालते तो टीम बैकफुट पर नजर आती। अब एजाज को तलब किया गया और मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ गेंदबाज मशकूर का इस्तेमाल करते, आमिर का एक ओवर बचा हुआ है, मशकूर के 2 ओवर बचे हुए हैं और देखना होगा टीम के जो कप्तान हैं किस रणनीति के साथ उन्होंने अब एक और परिवर्तन किया। एजाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तेज गेंदबाज हैं एजाज, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, वो गेंदबाजी कर रहे हैं विलेज एंड से, हवा में खेला गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं मशकूर, क्या वो कैच कर पाएंगे या नहीं, एक आसान सा कैच लिया गया, एक अच्छी पारी समाप्त हुई आबिद पीर की और आबिद पीर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, ये 6ठा झटका लगा यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स संग्रामा को, जुबैर नज़ीर डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। जेके स्पोर्ट्स टाइम, अमजद अली आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने सहयोग किया सपोर्ट किया स्टार्स भेजकर और आप भी इस फिरिस्त में अपना नाम जोड़ सकते हो, स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए, कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स का ऑप्शन आएगा वहां पे क्लिक करके स्टार्स भेज सकते हो। डार रमीज जबकि अब्दुल वहब और उसके साथ साथ जेडी एजाज आशिक डार मैच का आनंद ले रहे हैं, एगास्टिक नडू बने हुए हैं और उसका कहना है हु इज़ योर फेवरेट टेस्ट बैटर, बाबर आजम कोहली रूट विलियमसन स्मिथ, हर किसी को मैं देखना पसंद करता हूँ पर कोहली का दीवाना हूँ। और यहाँ नया ओवर जो शुरू किया था, पहली गेंद पर विकेट हासिल की गई आदिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जुबैर नज़ीर नए आए बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, रायसे में उनकी कोशिश रहेगी, वो चाहेंगे कि यहाँ सहयोग किया जाए साथ दिया जाए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाज आदिल का, आमिर लोन लाला तनवीर जबकि अरहान के साथ जुबैर बशीर और यावर आबाज भी मैच का आनंद ले रहे हैं और उसके साथ साथ आशिक और फयाज अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। जैद जाहिद ने सहयोग किया, जैद भाई आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और यावर अब्बास मैच का आनंद ले रहे हैं, फरू फरहान मागरे मुंतजर और साकिब नासिर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। यावर भाई जो जेसीसी मागाम के खिलाड़ी हैं वो मैच का आनंद ले रहे हैं फरू फरहान के साथ, जबकि सानी निसार रमीज राजा और साकिब नासिर स्पॉटन स्ट्राइकर्स के कप्तान, मागाम नाकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर तारिक माकनो साहब भी बने हुए हैं, जबकि सोहेल मीर मैच का आनंद ले रहे हैं, इशफाक अहमद वानी सलमान एजाज और बिलाल भी मैच का आनंद ले रहे हैं। एजाज अपना पहला ओवर कर रहे हैं और स्पॉटन स्ट्राइकर्स के जो कप्तान हैं तारिक पाकनो साहब जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मागाम नाकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के, वो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर और ऐसा तो सुनने को मिला कि चैंपियंस कप मागाम जल्दी आपकी ओर आ रहा है और हालांकि उसके लिए तैयारियां तो हो रही हैं
पहला जो एडिशन हुआ था मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, धमाकेदार एडिशन, वो श्रेय जाता है मैनेजमेंट को, वहाँ के निवासियों को, दर्शकों को, जिन्होंने साथ दिया, ताउन किया मैनेजिंग बॉडी का, कदमों का इस्तेमाल किया। चूके स्ट्रोक लेने से लेग स्टंप की सीध में गेंद पड़ने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। जुबैर बशीर ने अब स्टार्स भेजे, जुबैर भाई आपका शुक्रिया। जेके स्पोर्ट्स टाइम हमेशा समय देता है, आप लोगों के साथ बने रहते हैं, हम हमेशा हमारी कोशिश रहती है किसी न किसी मैदान से आप तक लाइव कवरेज पहुंचाएं। और इस कड़ी में आज का ये जो मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट का, अंडरग्राम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। हमें भी इस बात का इल्म है कि हर कोई दर्शक तो मैदान के चक्कर नहीं काट सकता, वक्त की तंगी रहती है, और ऐसे में हमने जो ये प्रयास किया पिछले कुछ सालों से कि लाइव कवरेज दे पाए हम दर्शकों को, आज का ये जो मुकाबला है दूसरा सेमीफाइनल है, और आपका समय बचाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड में, आप हर दिन तो नहीं आ सकते हो, हर जगह नहीं पहुंच सकते हो, उसके लिए लाइव कवरेज हम कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे या जहां कहीं से भी आप बने हुए हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ, आप मैच का आनंद ले सको, लुत्फ उठा सकोगे। और आप अगर कुछ करना चाहोगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए तो डिजिटल गिफ्ट भेज सकते हो, वो क्या होगा, स्टार्स भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स का ऑप्शन आएगा। और इस फहरिस्त में शोएब आदिल का नाम जुड़ गया है, शोएब आदिल ने भी स्टार्स भेजे जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए, और आपका भी शोएब भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने जो प्यार जताया, आपने जो सहयोग किया, आपने जो साथ दिया, इसके लिए आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक आकाश, मीर फयाज, जुबी मीर मैच का आनंद ले रहे हैं, क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा या नहीं, मशकूर दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल स्ट्राइक पे, जबकि 42 रन बनाकर आदिल नाबाद, उन्हें 8 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए, वो सामना करेंगे गेंदबाज मशकूर का। बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, फाइन लेग की ओर चली गई, उस ओर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की ओर स्ट्रोक लेना चाहते थे, पर बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी और फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। आप ऐसे स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी को तैनात तो नहीं कर सकते। इस चौके के साथ 46 हुआ टीम का स्कोर, हालांकि 46 हुआ यहां बल्लेबाज का स्कोर, और टीम का जो स्कोर है 103 कुल मिलाकर 6 विकेटों के नुकसान पर। मशकूर दाएं हाथ के बल्लेबाज लॉन्ग ऑन पे तैनात, खिलाड़ी की ओर कुछ इशारा किया, अब वो तैयार हो रहे हैं मशकूर। सामने है बल्लेबाज आदिल, आदिल ने फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी हैं, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ये शानदार अर्धशतक बल्लेबाज आदिल का पूरा हुआ, डगआउट की ओर इशारा किया और वहां मौजूद जो दर्शक हैं उन्होंने इस अर्धशतक का स्वागत किया। दबाव में टीम नजर आ रही थी, पर किस तरह की पारी खेली यहाँ बल्लेबाज आदिल ने। मशकूर की अगली गेंद, आदिल को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, 1 रन खाते में, अब जाके दूसरे रन के लिए वो दौड़ पड़ेंगे। दिशा इन थ्रो था और अच्छा खासा उछाल था इस थ्रो में, 2 रन मिलेंगे जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए था। इन 2 रनों की सहायता से 111 हुआ टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। 37 के स्कोर पे 5 झटके लगे थे और उसके बाद लगातार वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज आदिल। ऑप्शन से बाहर थी गेंद, गेंद को निकाला, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर गए, बैकफुट पॉइंट पे तैनात खिलाड़ी बस देखते रह गए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। 115 हुआ टीम का स्कोर और क्या पारी खेली यहाँ लाजवाब बल्लेबाज आदिल ने। आदिल वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की कितनी गेंदें अभी बची हुई हैं, स्कोर से जानने की कोशिश करूंगा। 2 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की, 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं मशकूर। इस ओवर में 5वीं बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, उस दिशा में गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, वो रोक नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर तक गेंद हवा में रही और लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए थे, पॉइंट से खिलाड़ी गए थे और 2 खिलाड़ियों के दरमियान
गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के स्कोर में 4 रनों का और इजाफा, टीम का स्कोर अब 119 हो गया है और कुल मिलाकर 20 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। एक गेंद अभी भी बची हुई है। मशकूर जब वो लय में थे तब उनको हटाया गया था और ऐसे में अब टीम दबाव में नजर आ रही है राइजिंग स्टार की। शॉर्ट गेंद थी, अच्छा खासा उछाल था, वाइड का भी इशारा, 5 रन खाते में। काफी ज्यादा उछाल था इस गेंद में, लेग स्टंप से भी बाहर थी ये गेंद और 25 रन इस ओवर में अब तक आए हैं और टीम का स्कोर देखा जाए 124 रन। 124 टीम का स्कोर वाइड के रूप में, ये 5 रन खाते में। आदिल सामना करेंगे वहां गेंदबाज मशकूर का। मशकूर कंधे का कुछ जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया मशकूर ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक लिया। खिलाड़ी वहां पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। 2 रन खाते में, इन 2 रनों के साथ 27 रन आए इस ओवर में और टीम का जो स्कोर है 126, जबकि पारी का ये 14वां ओवर समाप्त हुआ। अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं और 17 ओवरों का ये खेल होगा यहाँ संग्रामा के लिए, जबकि 18 ओवरों का खेल होगा यहाँ राइजिंग स्टार बड़गाम के लिए। कुछ देरी से यहाँ टीम आई थी संग्रामा की। 3 ओवर अभी भी बचे हुए हैं, टीम का जो स्कोर है 126 रन। दूर उस छोर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एजाज को तलब किया गया, तजम्मुल इस्लाम, जबकि जजी बशारत, समीर गनाई भी मैच का आनंद ले रहे हैं। लेग स्टंप से दूर वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ यह नया ओवर शुरू किया है एजाज ने। क्रिकेट खेलने के अनुकूल हैं परिस्थितियां, हालांकि तेज हवाएं आ रही है। जो मुखालिफ सिरा हैं वहां गेंदबाजी का जो सिरा है उसका जो मुखालिफ सिरा है, कमेंट्री बॉक्स छोर से मैं कहूं कि वहां से तेज हवाएं आ रही हैं। ऐसे में बॉलिंग करना आसान नहीं रहेगा अगर उस दिशा से हवाएं आएंगी तो। कभी कभार हालांकि रुख मोड़ लिया, अब हवा होनी है, अब उस दिशा से हवाएं आ रही हैं जहां से गेंदबाजी हो रही है। स्विंग करने की कला आप में हो तो वो दोगुनी हो जाएगी। वानी के साथ फारूक अहमद डार, वानी टी स्टार मोबाइल भी मैच का आनंद ले रहे हैं। वानी आशिक के साथ बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। एजाज स्कोर की दूसरी गेंद, इस बार शॉट, विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई और एक शॉट करने का जो कोटा रहता है T20 क्रिकेट में गेंदबाज के पास, वो चेतावनी दी और वो वार्निंग दी गई वहां गेंदबाज को। हालांकि कदमों का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया था जुबेर नजीर ने, उन्होंने कोशिश की थी स्ट्रोक लेने की पर वो स्ट्रोक नहीं ले सके। ठहरा हुआ अभी भी टीम का स्कोर 127। इस बार फिर से खेलना चाहते थे, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिपा खाया, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। लगातार डॉट गेंदे हुई है इस ओवर में और अब तक केवल 1 रन आया। 127 आदिल नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, क्या शानदार पारी खेली आदिल ने। इशफाक बशीर अहमद, आशिक डार, जबकि हिलाल अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। एजाज स्कोर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं जुबेर को। जुबेर ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद स्कर्ले की ओर जा रही है, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं। सीधे थ्रू की जरूरत पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी और 2 रन खाते में। इन 2 रनों के साथ अब तक अगर देखा जाए 129 टीम का स्कोर, 3 रन आए इस ओवर में, 4 गेंदे हुई है और इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल आना बाकी है। हिलाल अहमद, हिलाल मैच का आनंद ले रहे हैं, यावर आबाज भी मैच का आनंद ले रहे हैं, आशिक डार भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। 5 गेंदे अब तक, 3 रन आए इस ओवर में। एक अच्छा ओवर जा रहा है राइजिंग स्टार बड़गाम की दृष्टि से अगर देखा जाए। एजाज वो गेंदबाजी कर रहे हैं जुबेर नजीर को, जुबेर नजीर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्ला हवा में झूलता हुआ, सामना करेंगे एजाज का, बैक फुट पर गए, गेंद को निकाला, बैक फुट पॉइंट, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस बार विट तो मिली स्ट्रोक खेलने के लिए, बैक फुट पर चले गए और उस दिशा में कोई खिलाड़ी तो तैनात था ही नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा और 15 ओवरों का खेल जो समाप्त हुआ, 133 टीम का स्कोर और अब 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए तौफीक तैयार हो रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया।
फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पापुर, आरको फैन स्टेशन, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, जिनके सहयोग से, जिनके ताउन से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। केवल दो ओवरों का खेल बचा हुआ है, ये देखने लायक होगा कि किस तरह की रणनीति अपनाएंगे यहाँ आदिल तौफीक मल्ला के खिलाफ। तौफीक मल्ला जो टीम के कप्तान है, राइजिंग स्टार की अगर मैं बात करूँ, कोई बड़ा रनअप नहीं है, मुश्किलन दो तीन कदमों का रनअप, और ऐसे में आदिल तो चाहेंगे कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए जाए। इस बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सिरा लगा, विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई, एक शानदार पारी समाप्त हुई यहां बल्लेबाज आदिल की। और जो खिलाड़ी हैं राइजिंग स्टार बड़गाम के, उन्होंने शाबाशी दी है आदिल को, और तारीफ के काबिल ये पारी थी आदिल की। वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, एक अच्छी पारी समाप्त हुई आदिल के द्वारा। उन्होंने कितने रन बनाए, क्या योगदान दिया अपनी टीम के लिए। खानदानी शमीर जावेद भी मैच का आनंद ले रहे हैं आशिक डार के साथ, और इश्फाक वानी भी बने हुए हैं, फेरोज अहमद मैच का आनंद ले रहे हैं टंगमरग से, क्योंकि उसके साथ साथ मीर सरवर भी बने हुए हैं। लाइनअप की मैं बात करूं, आमिर मल्ला इस टीम में है, कि उसके साथ साथ जहांगीर इस टीम का हिस्सा है, वारिस इस टीम लाइनअप में है, कि आदिल बॉर्डर टीम का हिस्सा है, आदिल बॉर्डर के साथ साथ आदिल दीना भी इस फहरिस्त में है। कुल मिलाकर एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ राइजिंग स्टार बड़गाम की टीम यहां आई है। क्रिकेट का खेल है, रंग बदलने में ज्यादा समय तो नहीं लगता है। 64 रन की पारी खेली यहां आदिल ने अपने टीम के लिए। इस बार खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। तौफीक पारी का ये 16वां ओवर कर रहे हैं, तौफीक अगेन फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर से हल्का सा फंबल हुआ, रन के लिए दौड़ पड़े, सीधे थ्रू की जरूरत थी पर सीधा थ्रू नहीं कर सके आदिल बॉर्डर। एक रन मिला 22 के रूप में, ये एक रन खाते में, इस एक रन की मदद से अब जो स्कोर हुआ टीम का 134 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। जुबैर नजीर वो स्ट्राइक पे सामना करेंगे तौफीक का, ऑन साइड में उन्होंने स्ट्रोक लिया, गेंद स्क्वायर लेग की ओर गई, आदिल दीना वहां मौजूद, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे, सीधे थ्रो की जरूरत थी और क्रीज से बाहर पाए गए वहां बल्लेबाज जुबैर नजीर, उन्हें वापस जाना होगा। केवल एक रन मिला है और रन आउट के रूप में ये झटका लगा, और कुल मिलाकर 8वां झटका टीम संग्रामा को लगा। दो बल्लेबाज जिन्होंने यहां संघर्ष दिखाया, 64 रन की पारी खेली बल्लेबाज आदिल ने, जबकि इससे पहले आबिद पीर ने भी 24 रनों का योगदान दिया। उन दो बल्लेबाजों को छोड़कर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आया जो दोहरे अंकों में पहुंच सका। जुबैर नजीर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, 8वां झटका लगा और टीम का जो स्कोर अभी भी ठहरा हुआ है 135 8 विकेटों के नुकसान पर। इश्फाक वानी, जजी बशारत और बट अब्बास मैच का आनंद ले रहे हैं मीर हनीफ के साथ, जबकि उसके साथ साथ देखा जाए ह्यूमैनिटी फर्स्ट और सैम शानो मैच का आनंद ले रहे हैं, सेपरेट इस्लाम, बिलाल खान त्राल से, मुश्ताक मलिक और डेविल मैच का आनंद ले रहे हैं। एक अच्छा लक्ष्य चेज करने को तो जरूर मिलेगा, 135 टीम का स्कोर। इस ओवर की कितनी गेंदे अब तक हुई हैं, शायद 4 गेंदे हुई हैं, 8 गेंदे बची हुई हैं, 8 गेंदों पर 15-20 तो टीम 155 तक पहुंच सकेगी और 18 ओवर खेलने को मिलेंगे यहां राइजिंग स्टार बड़गाम को, और ऐसे में एक अच्छा लक्ष्य मिलेगा चेज करने के लिए, अच्छा मुकाबला दर्शकों को भी देखने को मिलेगा। उबैद सूफी नए आए बल्लेबाज, फिर से सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों कैच हुई, इस तरह से ये 9वां झटका लगा टीम को, और विकेट कीपर जहांगीर पहले प्रयास में वो गेंद को कैच नहीं कर सके, रिकोशेट होने के बाद गेंद कुछ समय तक हवा में रही और दूसरे प्रयास में जहांगीर ने ये बेहतरीन कैच लिया, 9वां झटका लगा संग्रामा को। रॉयल स्ट्राइकर संग्रामा टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो फैसला किया, 37 के स्कोर पे 5 झटके लगे थे और उन झटकों से टीम संकट में नजर आ रही थी, फिर जो संभालने का काम किया टीम को यहां बल्लेबाज आबिद पीर और आदिल ने 64 बनाए, आबिद पीर ने 24 रनों का योगदान दिया, जबकि उसके बाद खेलने के लिए जो बल्लेबाज आए थे जुबैर नजीर, उन्होंने भी शायद 11 रनों का योगदान दिया और वो रन आउट के रूप में आउट हुए थे। अब जो 9वां झटका लगा, बात वहां पे आई और सवाल वही अब हर किसी के जहन में, क्या यहाँ टीम पूरे 17 ओवर खेल पाएगी या नहीं।
नए आए बल्लेबाज डग आउट से नमूदार हुए 135 नौ विकेटों के नुकसान पर। और आखिरी विकेट के रूप में अब बल्लेबाज शायद इरफान लोन आए हैं खेलने के लिए। इरफान लोन आखिरी बल्लेबाज के रूप में वो मैदान की ओर आ रहे हैं। हालांकि इरफान लोन तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, उसके साथ साथ देखा जाए क्या जुनेद सोफी का इस्तेमाल करने जाएंगे। जुनेद सोफी प्लेइंग 11 की मैं बात करूं, चौथे नंबर पर जुनेद सोफी का नाम है, क्योंकि वो अब ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब यही है कि जुनेद सोफी ही होंगे। हालांकि आरिफ उबेद सोफी बिल्कुल इस बार खेलना चाहते थे, फिर से क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज। यहां तीन गेंदों पर तीन सफलताएं अर्जित की गेंदबाज तौफीक ने। इस तरह से पारी सिमटी 135 रनों पर और 136 रन चाहिए जीतने के लिए। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होगा, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं, बने रहेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ।